तो चलिए दोस्तों रिपेयरिंग शुरू करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने मीटर के पार्ट को ग्राउंड कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों 200 के रेंज में मीटर को सेट कर लिया है। अब चलिए दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें 104 वोल्ट आ रहा है और रेजिस्टेंस में देखते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस तक पहुँच रहा है और रेजिस्टेंस से भी आगे निकल रहा है सप्लाई और ESD तक पहुँच रहा है। अब बारी है दोस्तों मीटर को AC के रेंज में सेट करने की और यहाँ पे हीटर वोल्ट चेक करने की। तो देख सकते हैं दोस्तों मीटर में कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। अब बारी है दोस्तों हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर की। तो इसमें दोस्तों 14 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट ट्यूनर में। तो ट्यूनर में भी 5 वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट ओके था तो मुझे लगा दोस्तों ESD में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने दोस्तों ESD को चेंज करके देखा। यह है इसका दोस्तों पुराना ESD और मैं इसमें लगा दिया हूँ नया ESD और इसका नंबर है दोस्तों 1010A। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने ESD लगा दिया है नया वाला और उसके बाद भी चालू करके मैं देखा तो प्रॉब्लम जस का तस बना हुआ था। तो फिर मैंने एक बार फिर से वोल्टेज को शुरू से लेकर आखिरी तक चेक करने का फैसला किया। तो देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेज इसमें थोड़ा थोड़ा कम आ रहा था लेकिन दोस्तों TV स्टैंड बाई हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मैं 110 का लाइन फिर से चेक करते करते आगे बढ़ा तो देख सकते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस तक पहुंच रहा है। अब ESD में भी पहुँच गया है और देख सकते हैं ESD में भी अच्छे से वोल्टेज आ रहा है 104 वोल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो सभी जैक है ये साइज एडजस्ट करने का है, इन सभी में 110 वोल्ट आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे आउटपुट सेक्शन में भी 104 वोल्ट आ रहा है जबकि ये स्टैंड बाई में रिलीज है। फिर भी दोस्तों डिजिटल मीटर में यहाँ पर स्टैंड बाई जब होता है तो वोल्टेज शो नहीं करता है। और दोस्तों देख सकते हैं बेस पर भी 104 वोल्ट आ रहा है और इसके एमीटर पर भी 104 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कहीं ना कहीं वायर इसका कटा हुआ है, ट्रैक कटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ते चलेंगे। देख सकते हैं जंपर से भी 110 वोल्ट आ रहा है जबकि यहाँ पे दोस्तों 0 वोल्ट रहता है, ये ग्राउंड का पिन होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जब किट टूटा हुआ था तो इसका छिलका जो है ऊपर का पेंट निकल गया है और साथ में उसका कापर भी निकल गया है। देख सकते हैं उधर पे ग्राउंड में नहीं आ रहा है वोल्टेज और इधर पे आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जंपर अच्छे से कनेक्शन कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ का वोल्टेज पीछे जाना बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें जंपर मार के दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जंपर मार लिए हैं और चालू कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 105 वोल्ट दिखाना शुरू कर दिया है और देख सकते हैं रेजिस्टेंस में भी 105 आ रहा है और रेजिस्टेंस से भी आगे बढ़ रहा है और ESD में भी पहुंच रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आउटपुट सेक्शन में। तो देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट में अब फ्रीक्वेंसी जनरेट हो चुका है और यहां पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों हमारा हीटर ऑलरेडी बन गया होगा। फिर भी दोस्तों एक बार बेस में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बेस में कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों गारंटी हमारा हीटर बन गया होगा और आगे तरफ भी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लगाया था जंपर, देख सकते हैं आप, और जंपर में 0-0 वोल्टेज है, मतलब ये पूरा ग्राउंड हो चुका है। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर लगातार मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों मीटर को AC के रेंज में सेट करते हैं और हीटर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों 3-4 वोल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों 3.8 वोल्ट आ रहा है। और अब हम लोग दोस्तों स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा स्क्रीन बनने लगा या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन मौजूद है और दिखेंगे साइड में थोड़ा सा कट रहा है, देख सकते हैं साइड में थोड़ा कट रहा है। तो इसका वजह यह है दोस्तों कि हमारा आउटपुट का सप्लाई थोड़ा कम बढ़ रहा था, 110 की जगह 104 आ रहा था और 24 वोल्ट तो ठीक था, यहाँ 27 आना चाहिए लेकिन
और यहाँ पे 10 की जगह 12 आना चाहिए, 11.89, और 15 की जगह 16 से पार रहना चाहिए। तो दोस्तों इस अप्लाई को सही करने के लिए मैं यहाँ पे इसका प्रीसेट को चेंज कर दूंगा, फिर हमारा सप्लाई ओके हो जाएगा। तो दोस्तों 110 वोल्ट में 5-10 वोल्टेज का कम रहता है तो वो प्रॉब्लम प्रीसेट से रहता है दोस्तों, और अगर उसमें 40-50 वोल्ट का अगर डिफरेंस रहे तो वो फिल्टर कंडेंसर और ईएसटी से प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें प्रीसेट लगाकर दिखाता हूँ आपको कि वोल्टेज बढ़ा या नहीं। ये वाला प्रीसेट दोस्तों पहले लगा हुआ था इसमें, और ये वाला प्रीसेट मैं अभी इसमें लगाऊंगा। ये दूसरे किट में का है दोस्तों, पुराने किट में का, उसमें का निकाला हूँ। तो मेरे पास दोस्तों, मैं इसको नया नहीं खरीदता हूँ क्योंकि पुराना रहता है उपलब्ध में। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं प्रीसेट लगा लिया हूँ और वोल्टेज हमारा बढ़ चुका है। देख सकते हैं 24 की जगह 26 वोल्ट आ रहा है और 11 की जगह 10 की जगह 11 वोल्टेज आ रहा है, 11.1 वोल्ट। तो हमारा सप्लाई का काम ओके हो गया है, और देखेंगे हमारा साइड में कटिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों साइड में जो कट आ रहा था वो हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों इसमें ऑडियो वीडियो लगा कर देखेंगे हम लोग कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे टीवी में पिक्चर बनने लगा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।